आईपीएल यहां खत्म हो चुका है और अब 9 जून से शुरू होगी भारत और साउथ अफ्रीका की T20 श्रृंखला। एक इंपॉर्टेंट T20 श्रृंखला रहेगी क्योंकि आने वाले साल में हम देखेंगे एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप जैसे दो बड़े टूर्नामेंट्स भी आने वाले हैं, जिसके लिहाज से खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे रहेगी नजर। लेकिन क्या हो सकती है पहले मुकाबले में प्रिडिक्टेड 11, उसके बारे में करेंगे बातचीत। कौन से 11 खिलाड़ी पहले T20 मुकाबले में वहां बनाएंगे जगह, वो बताएंगे आपको इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पे। आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, इस 18 मेंबर्स की स्क्वाड में सबसे बड़ी बात यह है कि सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े नामों को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है, जिसके चलते जिन खिलाड़ियों ने आईपीएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है उनका कमबैक हो सकता है साइड में, या फिर कई नए चेहरों को यहां मौका दिया जा सकता है। लेकिन अब आपको यहां से बताते हैं क्या हो सकती है पहले मुकाबले की प्लेइंग 11, ये देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। साउथ अफ्रीका के सामने होने वाले पहले T20 मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। जो ओपनिंग पे एक छोर पे जरूर होंगे कप्तान केएल राहुल, उसी के साथ दूसरे छोर पे वहां पे जगह बना सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ को यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि ईशान किशन का जो फॉर्म है उतना बेहतरीन रहा नहीं मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए, और गायकवाड़ ने सीजन के अंत के आते आते कुछ बेहतरीन पारियां खेली हैं, जिसके चलते केएल राहुल के साथ वहाँ पे कर सकते हैं ओपनिंग। ऋतुराज गायकवाड़ तीसरे नंबर की जगह वहाँ से संभाल सकते हैं श्रेयस अय्यर, क्योंकि हमने देखा है इससे पहले भी जब भारत की टीम श्रीलंका के दौरे पे गई थी वहाँ विराट कोहली को विश्राम दिया गया था, वहाँ श्रेयस अय्यर या सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर की जगह संभालते थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव जो कि बहरहाल इंजर्ड हैं उनकी जगह श्रेयस अय्यर यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं शिरकत तीसरे पायदान पे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए साउथ अफ्रीका के सामने होने वाले पहले T20 मुकाबले में। चौथे और पांचवें पायदान की बात की जाए, चौथे नंबर पे रहेंगे वहाँ इस टूर्नामेंट के लिए उपकप्तान नियुक्त किए गए ऋषभ पंत, और पांचवें पायदान की जगह को वहाँ से संभाल सकते हैं हार्दिक पांड्या। इस आईपीएल के विनिंग टीम के कप्तान, गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की फॉर्म बल्ले के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, जहाँ इन्होंने इस आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए सबसे ज़्यादा 380 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं, और उसी के साथ बता दिया जाए हार्दिक पांड्या के स्किल्स जो इस समय पूरे टॉप नॉच पे चल रहे हैं, ये गेंदबाजी के चलते भी भारत में योगदान दे सकते हैं साउथ अफ्रीका के सामने होने वाली T20 श्रृंखला में। उसके बाद बात की जाए छठे नंबर पे, वहाँ फिनिशिंग स्किल्स के चलते 180 के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा इस सीज़न के अंदर सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न का अवार्ड जीतने वाले दिनेश कार्तिक हो सकते हैं, जिनका इस आईपीएल में स्ट्राइक रेट 180 से भी ज़्यादा रहा है, और इन्होंने कुल मिला के इस आईपीएल के सीज़न में 366 रन अपने बल्ले से जोड़े हैं। वहाँ से फिर वापसी हो सकती है भारत के स्पिन डुओ की, जहाँ पे कुलचा यानी कि कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, ये दो नाम ज़रूर हैं जिन्हें वहाँ से मौका दिया जा सकता है। इन दोनों की परफॉर्मेंस इस आईपीएल में काफ़ी बेहतरीन, जहाँ युजवेंद्र चहल ने तो अपने नाम इस सीज़न की पर्पल कैप भी की है, और साथ ही में कुलदीप यादव की बात कर ली जाए 20 से ज़्यादा विकेट्स लिए इस खिलाड़ी ने इस आईपीएल सीज़न में, दिल्ली के लिए खिलाड़ी रहा एक स्टार परफॉर्मर। फिर आती है बारी वहाँ से 9, 10, 11 नंबर की, जहाँ आता है भारतीय क्रिकेट टीम का पेस अटैक। उस पेस अटैक को ज़रूर लीड करेंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ भुवनेश्वर कुमार, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के साथ 10वें और 11वें स्थान पे जगह दी जा सकती है दो ऐसे युवाओं को जिन्होंने बेहद इंप्रेस किया इस आईपीएल के सीज़न में। सबसे पहले रहेंगे वहाँ पे तेज तरार एक्सप्रेस उमरान मलिक, जहाँ उमरान मलिक जब 150 की गति से ज़्यादा गेंदबाजी करेंगे इंटरनेशनल स्तर पे भारत की जर्सी में देखना होगा वो किस तरह से करेंगे इंप्रेस। और 11वें स्थान पे वहाँ मौजूद होंगे डेडली फिनिशर विद द बॉल अर्शदीप सिंह, जिनका आईपीएल का सीज़न उतना बेहतरीन तो नहीं गया, लेकिन फिनिशिंग स्किल्स इस खिलाड़ी की इसकी जगह बना सकते हैं प्लेइंग 11 में। तो ये थी हमारी प्लेइंग 11 जो बना सकती है जगह भारत की पहली T20 मुकाबले में, जो होगा वहाँ साउथ अफ्रीका के सामने दिल्ली में 9 जून को। देखना होगा जब ये खिलाड़ी आते हैं दोबारा से क्रिकेट के मैदान पे साउथ अफ्रीका के सामने किस तरह से आता है इनकी तरफ से प्रदर्शन, और तेज गेंदबाजी में उमरान मलिक को जरूर मिलेगी जगह, जहां अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार इनको करेंगे सपोर्ट। उसी के साथ भुवनेश्वर जरूर यहाँ तेज गेंदबाजी के अटैक को कर सकते हैं लीड। ये थी हमारी प्लेइंग 11 जो कर सकती है शिरकत पहले T20 मुकाबले में। बता दिया जाए 9 जून को खेला जाएगा T20 मुकाबला, जो होगा दिल्ली में, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा यह मुकाबला। शाम को 7 बजे से शुरू होगा यह मुकाबला, उसकी कवरेज के लिए हम लोग जुड़ेंगे आपके साथ 9 जून की शाम को। तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, जानने के लिए आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताजा अपडेट, वो भी सबसे पहले।